नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि आज 13वें आईपीएल का 21वां मैच चेन्नई और कोलकाता के बीच में अबू धाबी स्टेडियम में खेला जाएगा। यदि हम दोनों टीमों की इस आईपीएल में बात करें तो कोलकाता की टीम 4 मैच खेल चुकी है जिसमें से केवल 2 जीत पाई है। चेन्नई की टीम 5 मैच खेली है जिसमें से दो मैचों में चेन्नई जीती है। हेड टू हेड यदि बात करें तो कोलकाता ने 8 बार आईपीएल में चेन्नई को पराजित किया है, वहीं चेन्नई ने 14 बार कोलकाता को पराजित किया है। यदि हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो चेन्नई रिकॉर्ड के आधार पर कोलकाता पर भारी दिखता है, लेकिन यदि हम अबू धाबी के ग्राउंड के रिकॉर्ड की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 19 बार, वहीं पहले गेंदबाजी करने वाली टीम इस ग्राउंड पर 25 बार जीती है। यदि दोनों ही टीमों की हम ताकत और समस्याओं की बात करें तो कोलकाता टीम की सबसे बड़ी समस्या उनकी खराब ओपनिंग है। इसके साथ ही कप्तान दिनेश कार्तिक का खराब फॉर्म, नरेन का बल्लेबाजी में नहीं चल पाना, आंद्रे रसेल की तूफानी आक्रामक बल्लेबाजी अभी तक दिखाई नहीं देना कोलकाता की बड़ी कमजोरी रही है। वहीं यदि हम चेन्नई की बात करें तो कमोबेश खराब ओपनिंग की समस्या चेन्नई के साथ भी थी, लेकिन पिछले मैच में हमने देखा कि 10 विकेट से जिस तरह से चेन्नई की टीम जीती थी पंजाब के विरुद्ध, उससे कुछ हद तक उन्होंने वो खराब ओपनिंग की समस्या से निजात पा ली है। निश्चित रूप से वहाँ पर मुरली विजय की जगह फॉफ डुप्लेसी से ओपन कराना और फिर पिछले मैच में शेन वाटसन और डुप्लेसी का अंत तक आउट नहीं होना चेन्नई के लिए एक अच्छी खबर रही है, लेकिन अभी मिडिल ऑर्डर को एक बार फिर देखना बाकी है क्योंकि चेन्नई की टीम मिडिल ऑर्डर में खराब फॉर्म दर्शाती रही है और यही एक और बड़ी समस्या रही है चेन्नई की टीम के साथ। गेंदबाजी में दोनों टीमें लगभग एक बराबर हैं। फील्डिंग में कोलकाता चेन्नई पर थोड़ा ज़्यादा भारी नज़र आता है, लेकिन यदि ओवरऑल हम बात करें तो कोलकाता जहां चेन्नई के विरुद्ध थोड़ी सी यंग साइड दिखती है, वहीं चेन्नई अनुभवी खिलाड़ियों की टीम है। कुल मिलाकर मैच अच्छा और रोमांचक होने की उम्मीद है। यदि कोलकाता खराब ओपनिंग और खराब बल्लेबाजी की समस्या से निजात पा लेता है तो निश्चित रूप से एक बहुत ही रोमांचक मैच हमें देखने को मिलने वाला है। धन्यवाद, नमस्कार। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।